हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको सिखाया था इसकी कटिंग करना सिखाया था। इस बार ये आपको हम सिखाएंगे इस पे रख के आपको कैसे स्टिच करना है। तो देखते हैं, अगर आपने इसकी कटिंग नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करके हम इसकी वीडियो भी देख सकते हैं इसकी कटिंग किस तरीके से करी हुई है। तो चलिए पहले आप बताते इसको जोड़ना कैसे है। हमने जितना आपने पहले हमने ब्रॉड लिया था आप अपने तरीके से ले सकते हैं। मैं आपको दोबारा कह रही हूँ कि आप अपने ब्रॉडनेस अपने तरीके से ही लीजिएगा जितना पहनते हैं। हम निशान लगा लेते हैं हमें कितना चाहिए था। अगर आप इसको पेस्टिंग वाली बुकरम लेते हैं तो इसको ऐसे रख के आप इसको प्रेस कर सकते हैं। ये हमारी पेस्टिंग वाली नहीं है तो हम इस पर सेफ्टी पिन लगाकर अटैच कर रहे हैं। अब आप इसको नीचे भी लगा लीजिए एक पिन ताकि आपका गला इधर उधर कहीं हिले नहीं। एक एक पिन सेंटर में लगाइए। इस तरीके से हमने एक पिन यहाँ लगा दी, एक यहाँ और एक हमने सेंटर में बीच में। अब इसको हम पहले यहाँ से फुल बखिए पे रख के इसको यहाँ से इस तरीके से स्टिच कर लेते हैं। बुकरम के एक एक पैर देके यहाँ पे स्टिच करनी है। अब इसको हम इसकी जो पिंस जो मैंने लगाई थी वो उतार लीजिएगा। इसका आधा आधा इंच को छोड़कर हम यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेंगे कपड़े की। अब जो हमारे इस साइड होंगे ना अंदर की साइड आपको इसको ऐसे कट लगा दीजिएगा ताकि आपका इजीली मुड़ जाए। इस तरीके से आपको ये फोल्ड करना है। ये देखिए हमारा गला तैयार हो चुका है। ये हमारी शर्ट है। इसका आप इसको फोल्ड करके आप अपना इसका सेंटर निकाल लीजिएगा। यहाँ से हम इसको निशान लगा लेंगे यहाँ पे। आप इसको बेशक कट भी लगा सकते हैं छोटा सा, हमने कट नहीं लगा के हमने निशान लगाया है। ये देखिए अब हम इसको हम जो हमारा गला तैयार था ये देखिए इसको भी हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे।
यहाँ पे हम इसको भी सेंटर ले लेंगे। ये देखिए, इसको आपको हमेशा दोनों को सीधा साइड आपको अंदर रखना है, इसका आएगा उल्टा साइड ऊपर। ये वाइट शर्ट का देख रहे हैं, ये सीधा साइड ऊपर है, ये उल्टा साइड है, वो नीचे आएगा। और जो हम गला स्टिच कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, वो हमारा आएगा उल्टा। ये देखिए, इसको हमने निशान के साथ हमने सेंटर कर दिया। अब इंची टेप से आप इसको सेंटर नाप लीजिए, ताकि आपका बिल्कुल एक्यूरेट गला हो। और किस तरीके से नापने हैं, मैं आपको ये बताती हूँ। देखिए, ये जो हमारा गला यहाँ से स्टार्ट है, बुकरम आपको दिख रही है, यहाँ से लेकर आपको उस वाले कोने पर शोल्डर, ये देखिए हमारा 4.5 इंच पे आ रहा है। अब यही सेम हमारा इधर भी होना चाहिए, ये देखिए बिल्कुल बराबर आ रहा है। अब हम इसी पे यहीं पर ही पिन अप कर लेंगे इसको। ये तो हमने ऊपर से नाप लिया, अब यहां से कैसे नापना है ये भी बताती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये जो हमारा यहाँ पे कॉर्नर था, जो हमने यहाँ पे आर्म्स की कटिंग करी थी, उसके कॉर्नर से लेकर जो हमारा ये गला नेक है, चौदह से 2 पॉइंट, यानी कि 14.25 के करीब आ रहा है, 14.25 14.25 के करीब। ये देखिए सेंटर, दोनों साइड हमारे बराबर आ रहे हैं, तो हम यहीं पर ही पिन अप कर लेते हैं। आपका हो सकता है इससे ज्यादा आए या कम आए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आपकी जो आपने नाप से बनाएंगे, उस नाप का आपका बराबर होना चाहिए, जो भी कुछ भी हो सकता है आपका। ये देखिए, हमने पिनअप कर लिए। अब हमने यहाँ पे जो बुकरम हमारी है, बुकरम पे टच होती नहीं मारनी सिलाई, आपको हमेशा कपड़े पे मारनी है, इसके साथ साथ टच होती हुई आपको सिलाई मारनी है पूरी। ये ध्यान रखिएगा, आप बुकरम पे सिलाई ना आए, बस कपड़े के साथ साथ ही मारनी है। ये देखिए, हमने स्टिच कर ली है। अब अंदर से आप आधा आधा इंच पर मार्जिन छोड़कर इसको कटिंग कर लेते हैं। ये हमने इस तरीके से कटिंग कर ली है। अब इसके हम यहाँ पे कॉर्नर्स पे कट लगा देंगे, ताकि हमारा इजीली मुड़ जाए सफाई से। ये हमने उल्टा साइड कर लिया है, देखिए अब इसको हमने इस तरीके से अंदर मोड़ना है। यहाँ से आप इसको फुल बखिया मार दीजिए, ताकि आपका उधर सके इजीली। अब देखिए, हमारा गला तैयार हो चुका है, जिस तरीके से आपको बताया था हमने, कट सिलाई लगाकर हमने इसकी कटिंग कर दी, अंदर से पूरा फोल्ड करके हमारा रेडी हो चुका है गला।
अब आप चाहें तो इस पे आप अंदर से यहाँ से बटन भी लगा सकते हैं, इधर नीचे बटन भी लगा सकते हैं, इधर लुक भी डोरी भी लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है, वो अपनी किस तरीके से करना है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट हो तो प्लीज़ कमेंट भी, कुछ कर पूछना हो आपको कोई कमेंट करके, कोई गलत लग रहा हो या कुछ आपको समझ ना आ रहा हो तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, अगली वीडियो आपके लिए बहुत जल्द लाऊंगी, ऐसी कुछ अच्छी और ईजी तरीके से जो आपको ईजीली बहुत जल्दी समझ आ सके। थैंक यू दोस्तों।